प्लाज्मा थेरेपी क्या इससे बच सकती है जान? कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना हो रहे उछाल ने विभिन्न चिकित्सा संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर से लेकर एंटीवायरल दवाइयों तक की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गंभीर स्थितियों में रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा को भी प्रभावी माना जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं तो आप अपना प्लाज्मा दान करके दूसरे की जान बचा सकते हैं। पर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कोविड संक्रमितों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? डॉक्टर्स की माने तो प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संक्रमण से उबरने वाले व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा को लेकर रोगी में इंजेक्ट किया जाता है। संक्रमण से उबरने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो रोगी को उस वायरस से मुकाबला करने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया से रोगी तेजी से संक्रमण से ठीक हो सकता है। इसके अलावा प्लाज्मा डोनर को इस डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों के मन में इससे संबंधित तरह तरह के भ्रम हैं। इसका जवाब ये है कि जो मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं उनके अंदर एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है जो कोरोना वायरस के लिए ढाल के रूप में काम करती है। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक होने के 14 दिन बाद और अधिकतम 4 महीने तक कई बार आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन के लिए खाली पेट ना जाएं। ध्यान रहे, डोनेशन के 48 घंटे तक शराब का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति की कोई एंटीबायोटिक दवाएं ना चल रही हो। प्लाज्मा डोनेट करने के 2 हफ्ते बाद फिर से आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी दोबारा से जांच की जाती है। क्या डोनेशन के बाद डोनर को कोई दिक्कत होती है? इसका जवाब है, डोनेशन के बाद कोई कमजोरी नहीं आती है। डोनेशन के बाद डोनर को ब्लड बैंक कुछ समय के लिए अपनी निगरानी में रखता है। इसके अलावा व्यक्ति को शुरुआती 3 से 4 घंटे तक कोई भारी सामान न उठाने और अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। डायबिटिक रोगी जो इंसुलिन ले रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से कोई क्रोनिक बीमारी है वो लोग भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा डोनेशन से पहले इन बातों को जान लें। अगर आप प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। डोनेशन के लिए आपके पास 3 महीने के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या RT-PCR परीक्षण होना आवश्यक है। यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 14 दिनों के बाद ही डोनेशन करें। वहीं यदि आप में कोरोना के लक्षण थे तो इससे ठीक हो जाने के 14 दिनों के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है वो टीकाकरण की तारीख से 28 दिनों के बाद डोनेशन कर सकते हैं।